हेलो दोस्तों, मैं अविनाश कुमार, आप सभी को BSc परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में हम लोग जो देखे हुए थे सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप नंबर 2, इसके बाद क्या करेंगे, आज हम देखेंगे उसी सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो हम टाइप नंबर 2 आप लोगों को पढ़ाए हुए थे, तो उसमें क्या हुए थे, इंट्रोडक्शन दिए हुए थे। जो इंट्रोडक्शन क्या था सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ, आप सभी से यही कहना चाहते थे कि जो उस दिन कहने वीडियो में कहने में हम चुप गए, इसलिए नहीं कह पाए कि जो सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हम टाइप नंबर 2 बताएं, उसमें जो हम आप लोगों को क्या क्या कहते हैं ना, इंट्रोडक्शन जो दिए हुए थे, वो इंट्रोडक्शन में दो बातें छूट गई थी। एक नंबर बात की जो सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टाइप बनाने का मेथड है, वो कुल मिला के 5 टाइप से, मतलब 5 तरह से बना सकते हैं। मतलब फर्स्ट नंबर मेथड, सेकंड नंबर मेथड, और थर्ड नंबर मेथड, और फोर्थ नंबर मेथड, और फाइव नंबर मेथड, मेथड की कोई कमी नहीं है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी मेथड सुटेबल हो, वो आप लोग बुक उलट के ध्यान से देख लीजिएगा और मेथड को याद कीजिए। ऐसे में हम जो क्वेश्चन बनाएंगे वो मेथड आपका मेथड नंबर 4 पर जाएगा। ठीक है, जो मेथड 4 पे जाएगा उस मेथड नंबर 4 पे। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन का आप लोग को हम फॉर्म बता चुके हैं कि dx/p बराबर dy/q और dz/r बराबर 0 इक्वल टू, ये फॉर्म जो बार बार है बार बार फॉर्म रिपीटेड हो रहा है। और जो भी क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं, हम जो पिछले वाले बुक से जितना भी संबंधित क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चंस हम बनाए हुए थे, वो क्वेश्चन से संबंधित जितना भी था, वो क्वेश्चंस जो भी दिए हुए थे, वो आप लोग ध्यान से बनाइएगा। चलिए, जो हम सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टाइप के जो थ्योरम था, जो हम आगे बताए हुए थे, उसी थ्योरम को हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने से पहले जो भी जो 5 मेथड है, उस मेथड के बारे में जानकारी दे देते हैं। और जो फॉर्म है, जिस फॉर्म में हमको पूरा क्वेश्चन बनाना है, वो फॉर्म आपको इस प्रकार देख लीजिए। आप लोग ध्यान से पहले हम लोग का चैप्टर क्या है, हम लोग का चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले हम लोग का क्या पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर मेरा क्या है, ये 2। सबसे पहले क्या है, ये चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 में कौन सा चैप्टर चल रहा है मेरा, सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कौन सा है, सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमल्टेनियस क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप देखिए, सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में टाइप नंबर 1 का थ्योरम बता दिए थे, उसका क्वेश्चन भी बता दिए थे। आज जो इसके पहले वाले लेक्चर में हम टाइप 2 भी बता दिए थे, उसमें थ्योरम बता दिए थे, मतलब इंट्रोडक्शन संबंधी थ्योरम सब बता दिए थे। बस बचा क्या था उसमें, कि जो क्वेश्चन कैसे हम किस मेथड पे क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग बेसिक रूप से सोचना है कि हम क्वेश्चन को किस मेथड में, आप लोगों को 5 मेथड में से जो मेथड आसान हो आप लोग बना सकते हैं। बट हम जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं, वो क्वेश्चन 5th नंबर मेथड पर बनाएंगे। आपके पास अगर लालजी प्रसाद का कोई अगर बुक पर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आप लिख कर देखिएगा, ये 5th नंबर जो हम लोग का जो मेथड है, हम उस मेथड पर जा रहे हैं क्वेश्चन बना रहे हैं। क्योंकि कोई मेथड में बच्चा कोई भी क्वेश्चन बना सकता है, तो हम इस फ्रैक्शन करके क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान से आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन जैसे इस प्रकार, पहले सबसे पहले हम लोग क्या था, आप लोग बताए हुए, सबसे पहले इस फॉर्म को याद रखिए, जो ये फॉर्म आप लोग को हम बताए हुए dx by p हम बताए थे, और dx/p बताने के बाद क्या था मेरा, dy/ क्या दिया हुआ था यहाँ पे, q था, और क्या था मेरा dz/ क्या था, r था, इक्वल टू में क्या था, 0 था। यह फॉर्म को सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म में रखिए, क्या है कि जितना भी हम पिछले वाले लेक्चर में जितना भी क्वेश्चन का घेरा बना के रखो, सर्कल बना के जो भी दिए हुए हैं, वो सर्कल आप लोग इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा सर्कल। तो चलिए ठीक है, इस प्रकार है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और आगे के लिए क्या करते हैं, हम क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं कि कौन क्वेश्चन कितना बार रिपीटेड है। ठीक है, जो हम क्वेश्चन अभी लिखे जाने वाले हैं वो क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को क्वेश्चन 10 में, 11 में, और 13 में, 15 में, और 19 में बार बार क्वेश्चन रिपीटेड है। तो आप लोग ध्यान से समझिए, जो भी 20 से 23 वाले हैं, जो 23 वाले सेशन में जो क्वेश्चन, 21 में, 19 में जो क्वेश्चन पूछा हो सके आपको, 23 में भी क्वेश्चन आप लोग को पूछ लेते हैं। इस प्रकार आपका क्वेश्चन दिया हुआ, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 टाइप नंबर 2 था, क्या था यह टाइप नंबर 2 का क्या था आपका क्वेश्चन नंबर, आपको हम 1 बता रहे हैं। ठीक है, टाइप नंबर 2 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 बताया, सबसे पहले सॉल्व। ठीक है, सॉल्व सबसे पहले आपका क्वेश्चन से दिया हुआ है dx/, ध्यान से देखिएगा, dx/mz क्या दिया हुआ है, mz-ny। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखिए, dz/nx, सबसे पहले आप लोग बुक खरीदिए, अगर बुक नहीं है तो आप उसको, एनएक्स नहीं है सॉरी, यहाँ पे एक्स है। ठीक है, एन नहीं है, एक्स है। अब क्या हो जाएगा मेरा क्वेश्चन में, dy/, क्या लिख सकते हैं, dy/ लिखिएगा आप लोग, nx-lz, क्या हो जाएगा, nx-lz, और dz आपका दिया हुआ है, ly ly-mx, ly-mx
अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया। सबसे पहले आपका क्वेश्चन देखिए, dx बटा mz, आपको हम बताए हैं पीछे वाले वीडियो में कि p बराबर क्या दिया था, p बटा क्या होता है, dx बटा क्या था, फॉर्म क्या था dx बटा p, और dq बटा q, dy बटा q और dz बटा r था। तो सबसे पहले क्या हो गया, dx तो dx के जगह पर है, इसके ये कितना का मान दिया हुआ है, ये p का मान दिया हुआ है, ये क्या चीज का मान दिया हुआ है, तो ये q का मान दिया है, ये क्या चीज का मान दिया हुआ है, तो r का मान दिया। सबसे पहले आप लोग समझ, ये क्या चीज का मान दिया है p का, ये क्या चीज का मान है q का, ये क्या दिया r का। अब अपने मेथड से दिमाग लगाना है, सोचना है, इसे फ्रैक्शंस करना है कि किसको हम किस मेथड को किस दो टर्म को हम लेके चलेंगे कि मेरा आंसर आ जाए। मतलब उस मेथड पर ऐसा सोचिए कि मैं नीचा वाला जो होता है, जैसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बटा हर बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं ना अंश बटा हर, तो ऐसा होना चाहिए कि मेरा हर क्या है, जीरो होना चाहिए, ठीक है, जीरो होना। अब अपने से समझिए कि हम क्या इसमें मल्टीप्लाई करें, क्या डिवाइड करें, कितना अंश से कि हम इस फॉर्म को बना सकें। तो चलिए हम आपको इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, ये p है या q है यार, तो देखिए फॉर्म बैठ गया dx बटा p, dy बटा q और dz बटा r, हमको क्या है, जीरो फॉर्म है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। सबसे पहले अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व, यहाँ पर लिखिए सॉल्व, ठीक है, v है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, बी है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के सबसे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, द गिवन क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या करना है, ऊपर वाला आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन लिखिए, ऊपर वाला एक क्वेश्चन को लिखिए, ऊपर वाला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, फिर से लिखिए dx बटा mz और माइनस क्या दिया हुआ है, x बाई, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, यह क्वेश्चन जो आपका पूछा हुआ है, यह क्वेश्चन बीयू के 11 में, 13 में, 15 में और आप क्या 19 में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जा रहा है, जितना भी क्वेश्चंस बताया ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जा रहा है, श्योर 2023 में क्वेश्चंस ये 100% श्योर आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग बेसिक रूप से क्या करिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब देखिए डीवाई बटा क्या है, डीवाई बटा क्या हो जाएगा, एन एक्स माइनस एल जेड, अब क्या हो जाएगा, डीजेड बटा क्या हो जाएगा, एल वाई और माइनस क्या हो जाएगा, एम एक्स। इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इस टर्म को हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन सबसे पहले रखिए। अब इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे टेकिंग क्या, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, एक्स वाई जेड एज मल्टीप्लाइंग कर देंगे, ठीक है, एक्स वाई जेड से क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स से किसमें करेंगे, एक्स से इसमें करेंगे, वाई से इसमें करेंगे और जेड से इसमें करेंगे। सबसे पहले ध्यान, इसमें x से करेंगे, इसमें y से करेंगे और इसमें क्या करेंगे, हम z से करेंगे। तो चलिए इसमें क्या करते हैं, तीनों में हम क्या करते हैं, आपको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, अब क्वेश्चन में क्या करना था, मल्टीप्लाई, इसमें क्या लिखना है हमको, टेकिंग x, y, z एज ए क्या लिखना है आपको, एज ए taking x, y, z as a multiply लिख दीजिएगा, multiply लिख दीजिएगा, क्योंकि हमको क्या करना है, multiply करना है, x, y, z से क्या करना है, x, y, z से तीनों से क्या करना है, हम इस क्वेश्चन जो इक्वेशन फर्स्ट माने हैं, जो क्वेश्चन जिसमें माने हैं ये वाला इक्वेशन, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें x से, इसमें y से और इसमें क्या करेंगे, z से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब चलिए इसमें हम मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग लिखिए ध्यान से एक बार, इच फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करने पर क्या करेंगे, इच क्या लिखेगा आपको, इच फ्रैक्शन। अब क्या करेंगे क्वेश्चन में, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इच फ्रैक्शन लिख देंगे और इच फ्रैक्शन लिखने के बाद क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इच फ्रैक्शन के। अब इस फ्रैक्शन में क्या कर दीजिएगा, अब मल्टीप्लाई कीजिए, क्वेश्चन क्या था मेरा, मल्टीप्लाई करने के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स। अब बाटा में क्या था, एक्स सबका बाहर हो जाएगा, अंदर में कितना दिया हुआ था, एम जेड एम जेड और माइनस क्या था, एन वाई, ठीक है, आप लोग याद रखिए, एन ऊपर क्या हो जाएगा, वाई डी वाई, और बटा में क्या हो जाएगा, वाई वाई सबका मल्टीप्लाई भी करना है
तो वाई को बाहर निकाल दीजिएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका एन एक्स माइनस क्या दिया होगा बैकअप में, देखिए सबसे पहले डी एक्स बटा एन जेड माइनस एक्स वाई, इसमें क्या करेंगे हम एक से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर में डी वाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे ऊपर दोनों करेंगे, तो नीचे ऊपर दोनों करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई और डी वाई, तो क्या हो जाएगा एन एक्स माइनस एल जेड, एन एक्स माइनस एल जेड क्या हो जाएगा एन एक्स माइनस एल जेड, ठीक है। अब क्या लिखेंगे जेड डी जेड, अब इसमें क्या करेंगे जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक बार बैक देख लीजिए, एक बार बैक एल वाई माइनस एम एक्स, एल वाई माइनस क्या करेंगे एम एक्स, सॉरी एल वाई माइनस क्या करेंगे एम एक्स, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए एल एल वाई माइनस एम एक्स, अब क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप लोग ध्यान से अपने से एस डी एक्स फ्रैक्शन करना है, सॉरी जब फ्रैक्शन करते हैं वो सॉरी गलत दिखा, यहाँ पे जब फ्रैक्शन कीजिएगा, यहाँ पे जब फ्रैक्शन होता है तो इसमें क्या कीजिएगा तीनों को आपको क्या कीजिएगा जोड़ दीजिएगा, तीनों पे क्या हो जाएगा आप लोग को जोड़ देना है, ठीक है, तीनों को जोड़ देना है, आप जोड़ दीजिए, अब क्या हो जाएगा वाई डी वाई प्लस क्या हो जाएगा जेड डी जेड, अब जुड़िएगा आप लोग जुड़िएगा तो सबसे पहले एक्स से गुना करते हैं, क्या हो जाएगा एम, यहाँ क्या हो जाएगा एम एक्स जेड, फिर एक्स से गुना कीजिएगा तो माइनस एक्स एन वाई, बीच में क्या है प्लस का प्लस है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बीच में क्या है प्लस का आपका प्लस है, तीनों यहाँ पे प्लस का प्लस है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया एन एन एक्स माइनस भले एम एक्स जेड माइनस एन एक्स एन वाई प्लस, अब इसमें बनाते हैं वाई एन एक्स वाई एन एक्स, अब फिर प्लस माइनस माइनस कीजिएगा तो वाई एल जेड, अब फिर क्या हो जाएगा बीच में प्लस का प्लस हो जाएगा, फिर गुना कीजिए जेड एल वाई, अब माइनस में क्या हो जाएगा जेड एम एक्स, ये क्या हो जाएगा सबसे सब क्या आ जाएंगे कट जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम बोले हुए थे ना कि क्वेश्चन में ऐसे फ्रैक्शंस करना है कि वह जीरो हो जाए, तो देखिए यहाँ पे अब आपका क्या आ गया यहाँ पे, अब क्या बच गया आपका सिर्फ एल डी एक्स प्लस वाई डी वाई, अब प्लस में क्या हो गया जेड डी जेड, अब बटा में क्या हो गया जीरो हो गया, इसका मतलब पहले का मतलब क्या हो गया एक्स डी एक्स, अब प्लस में क्या हो गया वाई डी वाई, अब प्लस में क्या हो गया जेड डी जेड इक्वल टू में क्या है जीरो। अब इस टर्म को हम क्या करते हैं इंटीग्रेट करेंगे, इस टर्म को हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, तो चलिए इस टर्म को हम क्या कर देते हैं एक बार इंटीग्रेट कर देते हैं, तो चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, अब इसको हम क्या करते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं, तो चलिए इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले क्या फॉर्म आया था इंटीग्रेट करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए आया था एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस क्या था जेड डी जेड इक्वल टू में क्या था जीरो, इंटीग्रेटिंग करेंगे यहाँ पर लिखिए इंटीग्रेटिंग V get. एक बार इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर में क्या हो जाएगा टू हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर में क्या हो जाएगा टू हो जाएगा बराबर में क्या हो जाएगा आपका सी वन चाहिए मान लीजिए, अब दोनों में से क्या कीजिए टू कॉमन कर लीजिए सब में से, टू जब कॉमन कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सब में से टू बटा में कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे क्या आ गया आपका ए आ गया, अब टू को उधर भेज दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर में आपका क्या हो जाएगा टू, अब इसलिए क्वेश्चन नंबर टू मतलब एक और है, अब हम लोग को क्या करना है फिर एक बार उतना से दिमाग लगाना है और एक और मेथड क्या लगाना है कि हमारा क्या हो जाए, अब इसमें क्या करेंगे एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे टू एक्स इंटू डी एक्स हो गया, अब एक बार हम लोग क्या करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, ठीक है, इंटीग्रेट करते रहे एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कॉन्स्टेंट से कोई मतलब नहीं, अगर यहाँ पे आप जीरो भी लिखिएगा तो यह कोई गलत नहीं हो सकता, अगर आप जीरो भी लिखते हैं तो कोई गलत नहीं कर सकता, इसलिए कि कॉन्स्टेंट के जगह पर जीरो के पी आपको जो मान आप लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, अब चलिए एक बार और अगेन मल्टीप्लाई करते हैं, अब क्या करेंगे हम लोग अगेन मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखिएगा क्या अगेन एक बार क्या करना है टेकिंग अब क्या लिखेंगे एल कॉमा एन एच मल्टीप्लाई एम एल मल्टीप्लाई क्या करना है मल्टीप्लाइंग करना, अब कितना से सेम करना है, अब देखिए जो इक्वेशन फर्स्ट दिया गया था इक्वेशन फर्स्ट में ही क्या करेंगे एल एम एन तीनों से क्या करेंगे फिर मल्टीप्लाइंग, जैसे हम क्या किए थे एक्स वाई जेड तीनों से मल्टीप्लाई किए थे उसी तरह हमको क्या करना है एल एम एन तीनों से क्या करेंगे एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब देखिए ध्यान से अब फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट आप लोग देख लीजिए इक्वेशन क्या था मेरा फर्स्ट यही था याद रखिए इसी इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए डी एक्स बटा क्या हो जाएगा एन जेड माइनस एन एक्स एन वाई एन जेड एम जेड माइनस एन वाई, अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें अब देखिए आगे में क्या करेंगे इसे फ्रैक्शन हो गया, अब यहाँ पे लिखिए ईच
फ्रैक्शन, क्या हो जाएगा आपका इच फ्रैक्शन। बताते कि इच जब भी फ्रैक्शंस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एल डी एक्स हो जाएगा, क्या कि वहाँ पे एक्स ये थे तो वहाँ एक्स था, फिर बीच में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे एम वाई और प्लस क्या हो जाएगा एम जेड। अब सबके बटा में क्या हो जाएगा सबको जोड़ देंगे, सबसे में क्या हो जाएगा एल और जो था वहाँ पे एम जेड और माइनस क्या था एल एक्स था, एम जेड माइनस एल एक्स था, एम जेड माइनस एक्स वाई था, सॉरी एम जेड माइनस एक्स यहाँ पे y था, फिर क्या हो जाएगा बीच में प्लस m का m आप लोग लिखिएगा और m का m रह जाएगा उसके बाद फिर क्या लिखिएगा m के m रह जाएगा उसके बाद उसके जवाब आपका हो जाएगा एन एक्स माइनस एल जेड, एन एक्स माइनस क्या हो जाएगा एल जेड, फिर बीच में क्या हो जाएगा प्लस n का n रह जाएगा और n रहने के बाद क्या लिखे एल वाई माइनस क्या हो जाएगा आपका एम एक्स। अब देखिए ध्यान से एक बार ईच ऑफ फ्रैक्शंस की, फिर अगेन क्या करना है किसी भी फ्रैक्शंस में क्या करना है दो बार लेके चलना है, दो बार मेथड को लेके चलना है। तो पहला में आपको क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में क्या आया था मेरा टू आया था। अब इसमें क्या करना है एक बार अब क्या करना है हमको एक्स से मल्टीप्लाई करके क्या करना है चलना है। तो देखिए यहाँ पे अब क्या आता है जो एक्स से हमको हम मल्टीप्लाई किए थे उसमें उतना आया था, अब इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा मान क्या आ जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन एक्स बराबर जीरो। जो आंसर आप लोग को लाना है वो आप पे डिपेंड करता है कि हम कैसे लाएं, आंसर जो लाना है आप लोग को वो आप पे डिपेंड करता है कि हम क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे कैसे लाएंगे। तो चलिए ठीक है इसमें हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगेन टेकिंग लिमिटिंग एल कॉमा एम कॉमा एन एज द मल्टीप्लाई, अब इसमें क्या करते हैं आगे बढ़ेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस क्या होगा एन डी जेड, क्या हो जाएगा एन डी जेड, अब बटा में क्या हो जाएगा सबका एल एम जेड और माइनस क्या हो जाएगा वाई एक्स प्लस क्या हो जाएगा एम इंटू एन एक्स माइनस क्या हो जाएगा एल जेड प्लस एन कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा एल वाई और माइनस एम एक्स, ठीक है एम एक्स। अब आप लोग पिछले वाले इंटर से ही मेथड में पढ़ते आ रहे हैं, जैसे जो आप लोग पढ़े हैं शॉर्ट डिस्टेंस में पार्ट वन में पढ़े हैं कि एल एक्स इसको जब सबको एडिंग में गुना कीजिएगा तो आएगा फॉर्म एल एक्स प्लस एम एक्स एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू क्या होता था मेरा जीरो फॉर्म आता था। उसी फॉर्मूला का आपको क्या करना है इसमें उसी फॉर्मूला का क्या करना है यूज करना है। तो आप लोग जानते हैं कि जब गुना कीजिएगा एल एक्स या एम एक्स प्लस एन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू क्या होता है जीरो होता है। तो इसी फॉर्म में क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा एल डी एक्स प्लस क्या होगा एम डी वाई प्लस क्या हो जाएगा एन डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। ये तो टर्म नीचे वाला क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो नीचे वाला जीरो हो जाएगा इसी के नीचे वाला को नहीं लिखेंगे। अब इसको क्या करते हैं आप लोग इंटीग्रेट कर लीजिए, लिखिए यहाँ पे इंटीग्रेट इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा एल एक्स एल है डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स प्लस क्या हो जाएगा एम वाई प्लस क्या हो जाएगा एम जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा ए मान या इसको मान लीजिए बी, मतलब क्या हो गया मेरा यही आंसर आकर जीरो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन से रखा गया आगे। तो ये को कितना है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू टू ए और दूसरा है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू बी, मतलब वही कॉन्स्टेंट के जवाब आप कुछ भी दे सकते हैं। तो ये फोर्थ नंबर मीटर से आप लोग क्या करें क्वेश्चन को बेसिक रूप से समझाएं, आपसे यही नंबर निवेदन है कि आप लोग को टाइप टू नंबर का क्वेश्चन इसी पर पूरा टाइप टू नंबर आपको क्वेश्चन बनाइए, आपको सबसे इजी मेथड इससे इजी मेथड कोई मिलेगा नहीं। और ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए एक बार रिपीट कितना बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, आप लोग क्वेश्चन को रिविजन करिए। ऐसा ही क्वेश्चन हम पाँच क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लिख देते हैं जो क्वेश्चन आज तक बार बार रिपीटेड पूछा हुआ, ठीक है। तो चलिए आप लोग हम क्वेश्चन जितना बार जो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है हम आप लोग एक बार क्वेश्चन को लिख देते हैं, जैसे में एक लोग आप लोग के पास एक क्वेश्चन और बार बार पूछा गया है चलिए हम आपको क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन और है जो आप लोग बार बार पूछा गया वो क्वेश्चन है, ध्यान से लिखिए यह क्वेश्चन से सबसे वीवीएन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वीयू में सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। वीयू में क्या है या रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे मैं एक नंबर हम आपको क्वेश्चन बता दिए और दो नंबर आप लोग क्वेश्चन लिखा डी एक्स बटा, जैसे मैं बताते हैं आप लोग डी एक्स बटा क्या हो जाएगा डी एक्स बटा एक्स इंटू वाई माइनस जेड बराबर में क्या हो जाएगा फिर डी वाई बटा क्या हो जाएगा डी वाई बटा हो जाएगा वाई इंटू y इंटू जेड माइनस एक्स, फिर क्या हो जाएगा dz dz बटा क्या हो जाएगा आपका dz बटा हो जाएगा z माइनस एक्स माइनस वाई। आप लोग का क्या है यह क्वेश्चन है आपका क्या है दो नंबर क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट वीवीएन क्वेश्चन क्या है बार बार ये भी क्वेश्चन क्या आपका पूछा गया। ये क्वेश्चन को हम बेसिक रूप से थोड़ा समझा देते हैं कि क्वेश्चन को कैसे करना। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है dx बटा, पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में k
तीनों का क्या कीजिएगा, ईच ए फ्रैक्शन। जब भी क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, ईच ए फ्रैक्शन कीजिएगा, तो इसको डी एक्स इसमें मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन देखिए कि आंसर पता चल रहा है कि इसका आंसर शॉर्ट। ये तीनों को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिए। तीनों को क्या, ऊपर वाला को जोड़ दीजिएगा डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जे, और नीचे वाला को जोड़ दीजिएगा इतना इतना इतना। अब नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, बच जाएगा क्या, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जे। और इसका इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या जाएगी, एक आ गया। फिर अगेन कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, इसमें जेड एक्स से गुना कीजिएगा, इसमें क्या, इसमें क्या कीजिएगा, सॉरी इसमें जेड वाई से गुना कीजिएगा, इसमें जेड एक्स से गुना कीजिएगा, और इसमें जो जो दिया हुआ है आपका एक्स वाई, इससे क्या कीजिएगा, इसमें एक्स वाई से गुना कीजिएगा। सबसे पहले समझिए, dx वाला में जेड वाई से गुना कीजिएगा, जेड एक्स से गुना कीजिएगा, इसमें एक्स वाई से गुना कीजिएगा, अगेन दूसरा भी आंसर आ गया। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यह भी क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, ऐसे इसमें से चार क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो क्वेश्चन बार बार आप लोग को बार बार रिपीटेड आ रहा है, ठीक है। देखिए और थर्ड नंबर आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन और आसान में है। देखिए ये क्वेश्चन और आपको बार बार पूछा गया है, जैसे क्वेश्चन है डी एक्स बटा एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, डी एक्स बटा एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। फिर दूसरा फॉर्म है डी वाई बटा माइनस वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर क्या है डी जेड बटा जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है वाई स्क्वायर। यह क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबको रखिए, यह क्वेश्चन टोटल डीवीए क्वेश्चन में आपको जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी हम पीछे वाला पढ़ा दें उतना अगर आप लोग बेसिक रूप से तैयारी करके जाते हैं तो एकदम 100% श्योर है कि डिफरेंशियल के रूप से अगर क्वेश्चन ना बने तो आप लोग श्योर रूप में कहिएगा, ठीक है। अब फोर्थ नंबर एक और क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, ये क्वेश्चन और बार बार रिपीटेड किया हुआ है, जैसे मैं आप लोग बता रहे हैं क्वेश्चन और हैं। सबसे इजी मेथड में क्वेश्चंस को पूछा था, सबसे इजी मेथड में क्वेश्चंस को पूछा, यह क्वेश्चंस भी है जिसमें साफा मतलब इजी है। देखिए क्वेश्चन डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई, और क्या पूछा हुआ है डी वाई बटा क्या दिया हुआ एक्स प्लस वाई, फिर इसमें भी क्या दिया हुआ एक्स प्लस वाई, और डी जेड बटा क्या दिया हुआ डी जेड बटा आपका क्या दिया हुआ है जेड। अब क्वेश्चन में समझिए, सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसमें क्या कीजिएगा, सबसे पहले फर्स्ट दो मेंबर को ले चलिएगा, इसको लेके चलिएगा, इंटीग्रेट कर दीजिएगा, आंसर चल जाएगा। लास्ट में फिर क्या लिखिएगा, लास्ट टू मेंबर, इसको इसको एक बार लेके इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर चल जाएगा। समझिए पहले फर्स्ट टू मेंबर ले चलिए, मतलब इसको लेके चलिएगा क्रॉस में, इंटीग्रेट कीजिएगा, आंसर चलाएगा। सेकेंड बार इसको लेके चलिएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कीजिएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज मेरा सिमुलटेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होगा पूरा तरह से बेवकूफी से क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस, और टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है वो कुछ प्रोसेस क्या है बहुत बड़ा है, तो प्रोसेस को हम लोग अच्छा से बताएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आप लोग अगले वाले वीडियो में। तो इस वीडियो में क्या करें, जो भी वीडियो में जो भी प्रॉब्लम हो, जितना भी क्वेश्चन सब लिखे हैं, अगर क्वेश्चन आप लोग से ना बने तो आप लोग श्योर होकर फोन करके कॉलिंग चाहे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं बने, आप लोग को हम सॉल्यूशन करके आपको क्वेश्चन हम डाल देंगे, ठीक है। और सबसे पहले आज संडे था, आज बड़ा डाउट क्लास था, बट आज क्या किया, आज क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।